मैं नरेंद्र आहूजा, प्रिंसिपल होली हार्ट हाई स्कूल। आज मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट। अगेन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक खास प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसके साल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, तब इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है। तो आज हम जो एग्जांपल लेंगे, हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रूव करने के लिए आयरन, ये आयरन आर्टिकल्स हैं मेरे पास, और कोई भी आर्टिकल आप ले सकते हैं जो आयरन का बना हो, और साथ में कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट पाउडर है, और बीकर में वाटर है। अब हम इस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे। कॉपर सल्फेट पॉइजनस होते हैं, इसको आपको हाथ से टच नहीं करना, स्पैचुला से निकालेंगे। और पहले वन स्पैचुला, फिर एक और डाल दें, और अब इसको अच्छी तरह से डिजोल्व करें। ये डिजोल्व हो जाएगा इसमें, एंड इट्स कलर टर्न्स ब्लू। आप देखें कि कलर ब्लू हो गया सोल्यूशन का। थोड़ा और ऐड करेंगे, जितना कंसनट्रेटेड हो सकता है उतना कंसनट्रेटेड इसको करेंगे। ये ध्यान रखें कि पॉइजनस होता है, इसको बच्चों के सामने मत रखें। कॉपर सल्फेट इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, देखिए सामने लिखा हुआ इसके ऊपर। एंड ब्लू इन कलर, कलर इसका ब्लू होता है। आपको केमिकल्स की पहचान तो होनी चाहिए, ओके। वैसे तो कॉपर ब्राउन होता है कलर में, लेकिन कॉपर सल्फेट किसी भी मेटल का जो साल्ट होता है, मेटल वाले कलर का नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड वाइट है, लेकिन सोडियम का कलर वाइट नहीं होता। अब ये सॉल्यूशन रेडी है, जितना कंसनट्रेटेड बनाएंगे उतना रिजल्ट अच्छा रहेगा। अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, थोड़ा कैमरा आगे करें। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद इसकी जगह आ जाएगा। देख रहे हैं FeSO4 बन जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को आयरन ने, लेकिन ये कॉपर डिस्प्लेस होकर ये जो आयरन आर्टिकल्स हैं, कॉपर के आयन बनेंगे बेसिकली, तो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, ओके। तो अब हम ये आयरन आर्टिकल्स, इसको पहले हम रस्टिंग रिमूव कर देंगे। रस्टिंग रिमूव करने के लिए ये सैंड पेपर होते हैं, जिनको हम हिंदी में रेगमार भी कहते हैं। तो ये कोई भी 40-60 नंबर ले सकते हैं, 40-60 नंबर, किसी पेंटर से एक छोटा सा पीस ले सकते हैं, या पेंट वाली दुकान से ये मिल जाती है पूरी शीट, 4-5 रुपये में मिल जाती है। तो इसको पहले हम रफ करेंगे, और ये देख लें कि इसके ऊपर से रस्टिंग जो है वो हम रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे इनके रस्टिंग रिमूव कर दी है, और ये भी ये रस्टिंग रिमूव हो चुकी है, और इसको हम वन बाई वन इस सॉल्यूशन में डिप करके रख देंगे। और 24 आवर्स के बाद देखेंगे कि इनका कलर चेंज हो गया है। तो कल हम इसके बाद ऑब्जर्वेशन लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर भेजेंगे कि वाकई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है। अगर एक बार फिर से मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाना चाहूँगा क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। Fe means iron plus CuSO4 means copper sulfate gives FeSO4 iron sulfate plus copper Cu, okay? तो ये रिएक्शन का रिजल्ट हम कल देखेंगे, प्रूव हो जाएगा कि वाकई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है। थैंक यू। तो दो दिन के बाद की ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं। अब ये बीकर का जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया था, और उसका नीला रंग अब ये ख़त्म हो चुका है। नीला रंग ये ब्राउनिश कलर में आ गया है, ये देख रहे हैं आप, एकदम ब्राउनिश दिखाई दे रहा है, दूर से भी देखें ब्राउनिश ग्रीन, हल्का हल्का ग्रीन भी लगता है, ग्रीनिश भी होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर के और भी साल्ट बन जाते हैं। बेसिकली जो हमारे पास पानी होता है, पानी में भी कुछ साल्ट होते हैं, तो इस वजह से शायद थोड़ी बहुत रिएक्शन हो जाती है। और मोर ओवर इसका रंग लेकिन ब्राउनिश है। अब इसके अंदर से मैंने आर्टिकल्स निकाले हैं, आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए साफ ही दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ये चढ़ गया है, कॉपर है, ये कॉपर डिपॉजिट हो गया कहीं कहीं इसके ऊपर, क्योंकि इसको हमने बीच में रख दिया था, प्रॉपर हैंग नहीं किया था। और ये बीच में से इसके बॉटम से जो निकाला है, ये आप देख सकते हैं कि प्योर कॉपर है, ये कॉपर नीचे डिपॉजिट हो गया है।
क्योंकि जो रिएक्शन हुई थी कॉपर सल्फेट हमने डिजोल किया था उसमें आयरन रखा था, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो कॉपर ये नीचे बैठ गया और कुछ ये जो आयरन आर्टिकल्स हमने रखे थे ये वाले इनके ऊपर डिपॉजिट हो गया। अभी देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर कॉपर जमा हुआ दिखाई दे रहा है, ब्राउनिश लेयर दिखाई दे रही है, ये कॉपर है। ओके, पूरी तरह तो डिपॉजिट नहीं हो पाया लेकिन किसी किसी हिस्से में ये कॉपर डिपॉजिट हो गया और जो नीचे से ये इसके मेटल निकली है ये बीकर के अंदर से, ये देखिए ये प्योर कॉपर है, साफ ही नज़र आ रहा है कॉपर का कलर है, कॉपर ब्राउनिश कलर का होता है और अभी भी इसके अंदर और है। अगर मैं इसमें से निकालूं तो अभी भी इसके बेस पर ये कॉपर ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से ये कॉपर है सारा। तो अब आपको समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होती है, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब ये FeSO4 बन चुका है और ये कॉपर सल्फेट नहीं रहा, FeSO4 का ये कलर है लगभग, ये जो आप देख रहे हैं, तो इस वजह से ये कलर भी चेंज हो गया है। ऑलमोस्ट ये कलर कलरलेस हो जाना चाहिए वैसे इसको, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कॉपर के पार्टिकल्स तैर रहे हैं इसलिए ये थोड़ा सा ब्राउनिश नज़र आ रहा है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन से कलर में भी चेंज आ जाती है और सब्सटेंस तो नहीं बनते ही बनते हैं नो डाउट। तो केमिकल रिएक्शन की एक पर्टिकुलर टाइप जो आपको बता रहे थे वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, जब दो कंपाउंड्स आपस में आयन एक्सचेंज कर लेते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। ओके, आयरन खुद उसके साथ रिएक्शन करके जितना कॉपर था उसको अलग कर दिया और ये कॉपर नीचे डिपॉजिट हो गया। ओके, थैंक यू।